चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, ठीक है। नीट के कुछ हमने देखे थे, 7-8 साल के मेंस हम कर रहे थे। एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के थोड़े से लेंदी थे पर आसान थे, कोई मुश्किल नहीं थे। वेक्टर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है, और सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आउटवर्ड कब होती है, इनवर्ड कब होती है, हल्की सी भी गलती आपने की तो आपके आई और जे कैप में आंसर गलत आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम कर रहे थे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। वो ज़्यादा लेंदी नहीं होते, बस उसमें आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक। तो मेंस में एक दो क्वेश्चन और रद्दी रद्दी आए थे, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल आते हैं, आसान भी पूछते हैं, तो शायद मैंने कराया भी था। ट्रायंगल का नहीं कराया था, एक स्क्वायर का कराया था। ये प्लस छोटा क्यू, ये प्लस छोटा क्यू, वो कैपिटल क्यू। क्वेश्चन है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की जीरो है तो कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी होगी। -2Q प्लस क्यू माइनस क्यू बाय √2 + 1 माइनस √2Q बाय √2 + 1। सेम क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है आपका, ठीक है। तो अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो कैपिटल क्यू की वैल्यू बताओ। कर दो जीरो, आती है पोटेंशियल एनर्जी करनी। अच्छा हाँ, उसके लिए मुझे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। सो ये ए मान लेते हैं, ये ए, तो ये √2 है। चलो लिखो कितने पेयर बनेंगे। 3C2, NC2 बताया था, तो 3 × 2/2, तो 3 पेयर बनेंगे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की KQ³ a KQ³ √2a + KQ² a, दैट शुड बी जीरो। आता है ना सब लिखना, KQA KQA KQA, कितना आया, कैपिटल क्यू प्लस क्यू बाय √2 इज इक्वल टू -Q। क्यू कॉमन, दैट विल बी √2 + 1/√2 इज इक्वल टू -Q। सो क्यू विल बी √2Q/√2 + 1 नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन डी कितना आसान था, देखो, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि हर बार मुश्किल आता है, आसान भी आते हैं, ठीक है। और नेगेटिव होना ही चाहिए क्योंकि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो तभी होगी जब प्लस वाली पोटेंशियल एनर्जी को माइनस वाली कैंसिल करेंगे। सोचो अगर तीनों के तीनों साइन प्लस हो गए तो नेट तो ऐड ही हो जाएगी ना, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी मेंस 19 में आया था। वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है पर है पोटेंशियल एनर्जी का ही। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज 4 पॉइंट चार्जेस हैं, 4 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। हर एक का मैग्नीट्यूड है कैपिटल क्यू ईच। आर प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन एट 0, 2, 0, 2 मतलब यहां पे, 4, 2, 4, 2 मतलब यहां पे, 4, -2, 4, -2 मतलब यहां पे, एंड 0, -2 मतलब यहाँ पे। क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्क्वायर। कितनी साइड का, ये है 0, -2, ये है 0, 2, ये है 4, 2, ये है 4, -2, एक स्क्वायर जिसका साइड 4 है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लेना, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट अ फिफ्थ चार्ज कैपिटल क्यू एट ओरिजिन। इन्फिनिटी से इसको ओरिजिन लाने में कितना वर्क हमको करना पड़ेगा। इलेक्ट्रो का वर्क नहीं पूछा है, एक्सटर्नल का वर्क पूछा है, ठीक है। ऑप्शंस मैं सामने लिख दे रहा हूँ, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करना। ऑप्शंस हैं Q² / 4π εo, बी है K³ 1 + 1/√3, सी है Q² / 2√2π εo, एंड डी इज KQ² 1 + 1/√5, ठीक है। ट्राई करो स्क्रीन पॉज करके, बहुत आसान है, ठीक है। आंसर मैं बता देता हूँ आपको, आंसर उसने दिया है डी, 1 + 1/√5 वाला, ठीक है। करो ट्राई करो, करें हम लोग। चलो देखो, अब इन्फिनिटी से यहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क कितना होता है एक्सटर्नल का, ऑब्वियसली डेल्टा यू। डेल्टा यू इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल।
अब मुझे एक चीज सोच के बताना, स्टेप्स कम करने के लिए मैं कर रहा हूं। यू इनिशियल में ये जो पांचवा चार्ज था वो इन्फिनिटी पे था, तो इन सब की वजह से उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी, चार जोड़े बनेंगे, चार पेयर, हर एक का एक एक, तो हर एक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। ठीक है, और इन चारों की जो आपस में होगी, इसकी 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 इसकी, टोटल बनेंगे छह पेयर, 4c2 n(n-1/2)। वही छह पेयर क्या बाद में भी बनेंगे जब पांचवा चार्ज यहां पे आ गया होगा? समझ रहे हो? तो बेसिकली जब माइनस करोगे तो यू फाइनल में वही छह पेयर, ये जो चारों चार्ज बना रहे हैं वो आएंगे, और उसमें से माइनस करोगे इनिशियल, उसमें भी वो छह पेयर की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्या वो तो कैंसिल ही हो जाएगी? तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी कौन सी बची, कौन सी? या समझो समझो, जब वो फिफ्थ चार्ज तुम ओरिजिन पे ले आओगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबके साथ, चारों के साथ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चारों के साथ मतलब इसके साथ एक, इसके साथ दो, इसके साथ तीन, और इसके साथ चार। सही है? तो बेसिकली अगर मैं नामकरण करूं इनका, 1 2 3 4 5, तो यू फाइनल में क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 5, 2 एंड 5, समझ पा रहे हो, 3 एंड 5, 4 एंड 5। कैसका मतलब ये है कि 1 और 4 में नहीं होगी, बिल्कुल होगी, 1 और 2 में नहीं होगी, बिल्कुल होगी, 1 2 में भी होगी, 2 3 में भी होगी, 3 4 में होगी, 4 1 में भी होगी, 1 3 में भी होगी, 2 4 में भी होगी, 6 पेयर बनेंगे। पर क्या वही 6 पेयर जब आप माइनस के साथ यू इनिशियल लिखेंगे वही 6 पेयर आ जाएंगे? तो वो तो पोटेंशियल जी कैंसिल ही हो गई ना, तो वो क्यों लिख रहे हो? ठीक है, तो मैंने ये बताने में आपको 2 मिनट लगा दिया, आप एग्जाम में डायरेक्ट करो, देखो यू फाइनल यू इनिशियल में क्या वो जोड़े की पोटेंशियल एनर्जी कॉमन है या नहीं है, वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी, तो जो नहीं है वो लिख डालो। समझ में आ गया? अच्छा, इनिशियली जो फिफ्थ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो इन्फिनिटी पे रखा है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लेते हैं? जीरो। मतलब जब 1 और 5 में सेपरेशन इनफाइनाइट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 1 5 की क्या होगी? जीरो। सिमिलरली 2 5 की भी जीरो, 3 5 की भी जीरो, 4 5 की भी जीरो। तो ये समझ में आया सबको? चलो, अब पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए, ये तो 2 दिया हुआ है, क्या ये भी 2 है? पर ये नहीं पता है, निकाल लो ना, ये 2 ये 4, तो ये कितना? √16 √4, दैट इज √20। सिमिलरली ये भी कितना? √20। चलो सबसे पहले लिखो 1 5 की, वो तो सीधा ही है, के Q1 Q2 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दैट इज 2, साइन के साथ लिखना होता है, 2 5 के Q2 बाय √20। ठीक है, U 3 5 के Q2 बाय ऑब्वियसली √20। U 4 5 दैट इज के Q2 डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों को ऐड करें, के Q2, इन दोनों को ऐड करें तो 2KQ² बाय √20 विच इज 2√5। क्या KQ² कॉमन? क्या आया अंदर? 1 + 1/√5। तो इतना ही वर्क करना पड़ा, खत्म सवाल, तो ऑप्शन डी। तो कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान आता है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो नीट हो, बस मेंस में हल्का सा आपको पेशेंस ज्यादा रखना है, ठीक है, और नीट में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रिजल्ट्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि नीट डायरेक्टली रिजल्ट्स पे सवाल पूछता है, मेंस ऐसा बहुत कम पूछता है कि डायरेक्टली रिजल्ट की आपको जरूरत पड़े, पर इसका मतलब ये नहीं है कि याद नहीं करना है, ठीक है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है, तो इसको नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 15-20 मिनट और मेंस के करते हैं, फिर एडवांस के करेंगे। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है मान के चलना 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, तो उसको अच्छे से खत्म करो पढ़ के। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर जेई मेंस 14 में आया था वो मैं पर करा चुका हूं, ठीक है, 13 में वो भी मैं करा चुका हूं, शायद याद होगा, अपनी नोटबुक में देख लेना, लॉग का क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा था एक्सेल पॉइंट पे, ठीक है। तो एक मजेदार सवाल करते, जिसने ये कर दिया मतलब उसको सब आ गया, तो स्क्रीन पॉज करके ट्राई करना और मुझे बताना कि किस किस से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था सीरियसली, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस 3a, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस 3a
ठीक है, एंड टोटल चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन सेंटर्ड एट ओरिजिन, ठीक है, सेंटर्ड एट ओरिजिन कैसे रखा हुआ है वो सब समझ लेना, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ही बना लेते हैं, सेंटर्ड एट ओरिजिन, रेडियस कितना है इसका, 3 है, टोटल चार्ज भी दिया हुआ है, ये वाई ये एक्स, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू लिखते जाना, अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस 3a एंड टोटल चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, सेंटर्ड एट ओरिजिन। अ पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू इज मूविंग टूवर्ड्स द रिंग अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस एंड हैज स्पीड वी, कहाँ पे, एट जेड इज इक्वल टू 4a, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी, मिनिमम निकालनी है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी सच दैट इट क्रॉसेस द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब सेंटर ऑफ द रिंग। हिंट देता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, बिल्कुल आसान है, और मिनिमम निकालनी है मतलब जस्ट यहां पे स्पीड 0 मान लेना। ऑप्शंस है आपके, √2/m, ठीक है, पॉइंट चार्ज का मास m ले लेना, ठीक है, और 1/5 q²/4π∈ a की पावर हाफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी √2/5, 1/5 की जगह है 4/15 k³²a की पावर हाफ। सी √2/m, 1/15 k³² a की पावर हाफ। एंड लास्ट डी √2/m, 2/15 k³² a की पावर हाफ, ठीक है। ट्राई करो स्क्रीन पॉज करके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करोगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने कराया भी था, ठीक है, कि उसको रेस्ट से रिलीज किया तो उसकी स्पीड बताओ जब वो वहां पहुंचेगा, डिस्क की वजह से शायद कराया था, लगभग वैसा ही है, ये जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तब तक ट्राई करो स्क्रीन पॉज करके। ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है, जेड नहीं है, वही मैं सोच रहा था इधर कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, करो ट्राई। आंसर है इसका, एट्थ का आंसर है डी, डी मतलब ये है, करें, बहुत आसान है, बस पेशेंस रखो और सही चीज लगाओ कि क्या लगा सकते, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एनर्जी विल बी कंजर्व, ठीक है। इनिशियली कहां पे बैठा है वो, यहां पे, कितना दूर, 4a, ठीक है, और किस स्पीड से मूव कर रहा था, v, फाइनली वो यहां पे है, तो ये इनिशियल और ये फाइनल, और मिनिमम स्पीड निकालनी है मतलब जस्ट मैं मानूंगा कि वो ओरिजिन पे जस्ट पहुंचा है, मतलब वहां पे जाके स्पीड 0 ही है। बोलो फटाफट, u इनिशियल, k इनिशियल, u फाइनल, k फाइनल, बिल्कुल आसान है। अब इसके लिए आपको रिजल्ट आने चाहिए, u u क्या होगा, चार्ज इनटू वहां पे पोटेंशियल, यही तो होती है पोटेंशियल एनर्जी, के इनिशियल ½m v² मिनिमम लिख देते हैं, यू फाइनल क्यू इनटू वहां पे पोटेंशियल, बराबर, के फाइनल 0 क्योंकि v मैंने मिनिमम लिया, तो मतलब जस्ट सेंटर पे पहुंचेगा वो। अच्छा अब क्या करें, v इनिशियल, v की वैल्यू निकालते हैं। अब याद अगर आपको होगा तो एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल रिंग की वजह से, वो याद करना पड़ेगा, के इंटू क्यू
क्योंकि क्यू चार्ज छोटा क्यू चार्ज ही दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बाद में वैल्यू डाल देंगे, प्लस हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्यू इंटू वी फाइनल। वी फाइनल मतलब जब सेंटर पे पहुंचेगा वहां पे पोटेंशियल, क्या रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल याद है सबको, के क्यू बाय आर प्लस जीरो तो जीरो ही है, क्या मुश्किल है उसमें, कुछ नहीं। ठीक है, क्यू छोटा क्यू ही दिया है उसने, ठीक है, दोनों का मास चार सेम दिया है उसने, तो क्या हो गया बोलो फटाफट, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, क्या 3a का स्क्वायर, एक्स 4a का स्क्वायर, सॉल्व कर लोगे वो आएगा आपका 5a, बराबर बराबर, प्लस हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर। अब आगे मैं यहां पे कर रहा हूं, हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर, मतलब आर 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 इज रेडियस ऑफ द रिंग दैट इज 3a, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 5a, इसको इधर लेके आ गए, कितना है बोलो, हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर दैट विल बी 15 एलसीएम 5 माइनस 3 2, सो 2/15a के क्यू स्क्वायर। आगे तो नहीं करना, आगे करना है क्या, बस खत्म कहानी, तो आ गया डी ऑप्शन। सो वी मिनिमम कितना, अंडर रूट 2/m इंटू अंडर रूट 2/15a के क्यू स्क्वायर बाय ए, तो क्या मुश्किल है उसमें, बस हाँ मुश्किल एक चीज है कि पोटेंशियल एनर्जी आपको रिंग के लिए मतलब एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन और एक पॉइंट चार्ज के लिए लिखना है। दो पॉइंट चार्ज के लिए तो डायरेक्ट आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस, बराबर, मतलब के क्यू वन क्यू टू बाई डिस्टेंस, पर एक एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो रिंग भी हो सकता है, वो डिस्क भी हो सकता है, कुछ भी रोड भी हो सकता है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट चार्ज के साथ, एक्सटेंडेड बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज के साथ आपको लिखनी है। तो वो कैसे लिखोगे, पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंडेड की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, क्योंकि ऑटोमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका, पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, तो बेसिकली मैंने इस पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड इसको मल्टीप्लाई कर दिया रिंग की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, और ये एक्सियल पॉइंट है तो एक्सियल पे पोटेंशियल क्या होता है, के इंटू क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अपना रिजल्ट देखना, और दोनों क्यू सेम दिए हैं क्वेश्चन में, ठीक, और जब सेंटर पे पहुंचेगा तब पोटेंशियल, रिंग के सेंटर पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, अच्छे से बताया था सब। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वी पूछी है, मतलब मैं मानूंगा कि सेंटर पे जाके वो रेस्ट पे आ जाएगा तभी तो वी मिनिमम होगा, बहुत तेजी से जा रहा होगा तब तो सेंटर क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, पर वी मिनिमम मांगा है, समझ में आ गया, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है चलो आगे बढ़े। तो अब आपको हर तरह के क्वेश्चन आने चाहिए करने, चाहे वो आसान हो चाहे वो मुश्किल हो, हर तरह के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बिल्कुल आसान भी कर रहे हैं मुश्किल भी कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मेंस में सब मुश्किल ही आते हैं, आसान भी देखो कितना आए थे। चलो आगे बढ़े, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, डाइपोल के भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस स्फीयर्स के भी काफी पूछे गए हैं, पर स्फीयर्स अभी हुए नहीं है ना, सॉलिड हुआ है ना होलो हुआ है, तो अभी नहीं करने का मतलब उसको, चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है डाइपोल, डाइपोल के क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मेन 19 में, शायद मैंने यही सेम क्वेश्चन थर्सडे के लेक्चर में कराया था, मतलब जो लास्ट थियरी का लेक्चर हुआ था। क्वेश्चन है फाइंड द डाइप इलेक्ट्रिक, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, 19 में आ चुका है, दिस इज माइनस टू क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज ऑल्सो प्लस क्यू, एंड दिस वन इज एल, और ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसमें, मैग्नीट्यूड नहीं मांगा उसने, वेक्टर फॉर्म में आंसर दिया है, √3 QL i j कैप माइनस आई कैप बाय √2, पी वेक्टर फॉर्म में उसने मांगा, B 2 QL j कैप, C माइनस √3 QL j कैप, एंड D इज QL
आई प्लस जे बाय रूट टू। ठीक है, कौन सा सही है इसमें, ध्यान से देखो आगे। आंसर मैं बता देता हूं, आंसर है इसका सी। ठीक है, सी माइनस रूट थ्री क्यू एल जे कैप। करे, बहुत आसान है, कुछ नहीं। चलो देखो क्या बनाए इसको, माइनस क्यू माइनस क्यू। अच्छा, कुछ लोग मुझसे डाउट पूछ रहे हैं कि सर ये माइनस क्यू इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ क्यों नहीं बनाता? एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ मिलकर डाइपोल बनाएगा ना, तो जब ये इसके साथ बना चुका तो ये इसके साथ कैसे बनाएगा, समझ रहे हो? तो ये इसके साथ एक पेयर बना चुका, तो ये बचा हुआ इसके साथ एक पेयर बनाएगा। तो डाइपोल दो ऐसे चार्जेस बनाते हैं विच आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट आर ऑफ ऑपोजिट नेचर। ठीक है, चल तो सबसे पहले बताओ, इस माइनस क्यू का इस प्लस क्यू के साथ क्या डाइपोल मोमेंट, ये डायरेक्शन पी वन वैक्टर बराबर, और इस माइनस क्यू का उस प्लस क्यू के साथ पी टू वैक्टर। अरे है कि नहीं है? अब पी वन वैक्टर माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है ना डायरेक्शन, पी वन वैक्टर और पी टू वैक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दैट विल बी आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। अच्छा अब मुझे बताओ, ये एंगल 60, तो ध्यान से मैं इधर बनाऊं तो ये पी वन, ये भी कितना आएगा ज्योमेट्री से, ऑब्वियसली 60। ये पी टू, तो ज्योमेट्री से ये भी कितना आएगा 60। दिमाग में सॉल्व कर लिया, पी वन कॉस 60 पी टू कॉस 60 विल कैंसिल आउट, और कौन ऐड हो जाएंगे, पी वन साइन 60 और पी टू साइन 60, है ना? तो पी नेट इन वेक्टर फॉर्म विल बी पी वन साइन 60 प्लस पी टू साइन 60, और क्योंकि नीचे की तरफ तो माइनस जे कैप। कितना आ गया, पी वन पी टू सेम है, तो माइनस टू पी साइन 60 जे कैप। कितना हो गया बोलो, माइनस टू पी कितना क्यू एल साइन 60 रूट थ्री बाय टू जे कैप, टू से टू कैंसिल, सो माइनस रूट थ्री क्यू एल जे कैप। कर लोगे सॉल्व इसको? चलो ठीक है, तो डाइपोल के कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में आया था मेंस में। एन क्वेश्चन में लिख देता हूं, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट पी, ठीक है, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ठीक है, व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन इज इक्वल टू ई आई कैप, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू टाउ के कैप। ठीक है, और सेकंड है, व्हेन सब्जेक्टेड टू अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू वेक्टर इज इक्वल टू रूट थ्री ई वन आई कैप, सॉरी जे कैप है इस बार, ठीक है, कॉमा, थोड़ा सा मैथ है, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क टाउ टू वेक्टर, ये टाउ वन वेक्टर था, इज इक्वल टू माइनस टाउ के कैप, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, द एंगल थीटा इज, ये जो थीटा एंगल था डाइपोल जो एक्स के साथ बना रहा है वो कितना है? ऑप्शन है 45, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, 60, सी इज 90 एंड डी इज 30। ठीक है, करो ट्राई करो। आंसर दिया है इसका बी 60 डिग्री। करो ट्राई करो सब लोग, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्या करना है वो सोचो और फिर प्रोसीड करो। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट पी फिक्स है मैग्नीट्यूड, ठीक है,
वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो जब उसको एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया जिस फील्ड की वैल्यू है ई आई कैप, आई के अलोंग है, ठीक है, तब जो उसका टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है वो है टाउ के कैप। और जब उसको एक और फील्ड में रखा गया जिसका मैग्नीट्यूड है, जो मतलब जिसका वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड है √3e, ये e वही है जो e1 में है j कैप, और वो j में i में नहीं है, तब टॉर्क कितना एक्सपीरियंस कर रहा है? तब टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है -τ k कैप। ठीक है, क्वेश्चन है थीटा इज, कुछ तो इसमें गलती है, चलो कोई गलती नहीं है ऐसी, ये i में है ये j में है शायद, एक i में है एक j में है, करें। चलो तो बाकी लोग स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। आंसर 60 दिया उसने, देखो सॉल्यूशन P, ये एक्स एक्सिस, ये है आपका डाइपोल मोमेंट P वेक्टर, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस आपका, ठीक है। चलो वेक्टर फॉर्म में P बोलो फटाफट, P cos थीटा i कैप, P साइन थीटा जे कैप, सिंपल। तो टॉर्क बोलो कितना होगा? P क्रॉस E बराबर। तो टॉर्क कितना एक्सपीरियंस कर रहा है पहले केस में? टाउ के कैप। P कितना है? P कॉस थीटा आई, P साइन थीटा जे, क्रॉस किसके साथ क्रॉस? E कितना उस टाइम? E आई कैप। आता है आपको शॉर्टकट, I का I के साथ क्रॉस 0, J का I के साथ उल्टा, तो माइनस के, सो -PE साइन थीटा के कैप, ठीक है। अच्छा अगला सेकंड केस, तब टॉर्क कितना है? -τ k कैप, ठीक है, दैट विल बी P वेक्टर, P तो सेम ही है, P cos थीटा i कैप प्लस P साइन थीटा j कैप, क्रॉस E2, E2 उस केस में कितना है? दैट इज √3e j कैप। तो आई का जे के साथ होता है के, कितना हो गया बोलो? PE√3 cos थीटा k कैप, जे का जे के साथ हो जाएगा 0। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, कंपेयर करें कितना है बोलो? PE sin थीटा विल बी √3 PE cos थीटा, PE विल कैंसिल आउट, tan थीटा इज √3, सो थीटा विल बी 60 डिग्री। खत्म सवाल, ठीक है, तो कुछ मुश्किल नहीं था। क्या किया? पी वेक्टर निकाला, ई वेक्टर क्वेश्चन में दिया है, टाउ वेक्टर दिया है, तो टाउ वेक्टर कितना होगा? पी क्रॉस ई, सोल्व कर दो, कर लोगे? चलो आगे बढ़े। चलो अब इसमें कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं, आसान वाले हो गए। एक आसान और कर लेते हैं, मेंस 19 में आया था। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 1000 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब डाइपोल मोमेंट के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दी है 10^-29 कूलम मीटर। क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी डाइपोल की? ऑप्शन है -9, 10^-20, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, -10, 10^-29, -20, 10^-18, लास्ट -7, 10^-27, ठीक है, ट्राई करो इसको। आंसर इसका दिया हुआ है डी, ठीक है, ट्राई करो। कैसे करेंगे? थोड़ा सा मैथ लगेगा, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर हो जाएगा, ठीक है, ट्राई करो सब लोग।
कर ले ट्राई सबने। चलो देखो कैसे करना है। सिंपल सीधा फॉर्मूला, यू पूछा है, पी दिया है, ई दिया है। क्या होता है यू? कल पढ़ा था, माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस 10 की पावर -29 ई इज 10 की पावर 3 कॉस थीटा, दैट इज 1/√2। कितना हो गया? -10 की पावर -26, 1/1.414, 0.7 के आसपास आएगा। तो आंसर विल बी -7 × 10 की पावर -27। सिंपल कर लोगे? चलो अब करते हैं थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन, दिमाग के घोड़े खोल देगा ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ये भी मेंस 19 का ही है। क्वेश्चन है, अ डाइपोल P वेक्टर इज इक्वल टू -P0 i कैप इज कैप्ट एट ओरिजिन। P0 मैग्नीट्यूड है, ठीक है। द पोटेंशियल, ये आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस डी, एक पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पे है, डी डिस्टेंस दूर, आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको पोटेंशियल का होगा, दूसरा तो पी का मैग्नीट्यूड अपॉन 4π ε₀ d² kp/d³, मतलब ये किसका है? पोटेंशियल और ये फील्ड। बी 0, -p अपॉन 4π ε₀ d³, सी 0, p/4π ε₀ d³, एंड डी इज p/4π ε₀ d² -kp/d³। ठीक है, तो इसके लिए आपको रिजल्ट्स पता होने चाहिए, जो मैंने बोला था अच्छे से याद कर लेना। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया मेंस में, ठीक है, आंसर दिया है इसका, कर ले ट्राई, करो करो करो। ये P0 ही दिया है उसने, ठीक है, आंसर दिया है उसने बी। कर लोगे सॉल्व? एकदम सिंपल। कैसा है सिचुएशन? ये है आपका डाइपोल, पॉइंट किधर है? ये इक्वेटोरियल, डी डिस्टेंस दूर, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना होगा? क्या इक्वेटोरियल पोटेंशियल 0 होता है? याद है फील्ड कितनी होती है? kp/r³, खत्म सवाल। तो के पी डिवाइडेड बाय डी क्यूब किधर होगी? डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो आंसर बी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कर लो गाइस अब, चलो आगे बढ़े। चलो अब करते हैं कुछ एडवांस के क्वेश्चंस, ठीक है। चलो तो एडवांस के क्वेश्चंस अब करते हैं थोड़े, बेंस के भी देख लिए हमने कैसे आते हैं। नेक्स्ट करते हैं एडवांस के।
तब तक ये नोट करो। नाइनटीन में मेंस में क्वेश्चन हो रहा था जो मैंने कल कराया था। एक डाइपोल है जिसमें दो चार्जेस दिए हुए हैं, ठीक है, सेपरेशन डी है, ठीक है, चार्जेस के मास एम दिए हुए हैं यूनिफॉर्म फील्ड ई में। तो इट इज़ इफ़ इट इज़ स्लाइटली रोटेटेड फ्रॉम इक्विलिब्रियम देन द एंगुलर फ्रिक्वेंसीज। देखो डायरेक्ट पूछा गया था, तो सारे लेक्चर्स अच्छे से पढ़ो, कुछ भी वो पूछ सकता है डायरेक्ट, समझ रहे हो। चलो तो एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। लिखो पहला 2010 का है। अ टाइनी स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप कैरिंग अ नेट चार्ज क्यू इज बैलेंस्ड इन स्टिल एयर विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 81 π/7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। व्हेन द फील्ड इज स्विच्ड ऑफ कॉमा द ड्रॉप इज ऑब्जर्व्ड टू फॉल विद टर्मिनल वेलोसिटी, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, 2 × 10⁻³। फ्लूइड भी यूज कर लिया उसने, विस्कोसिटी। गिवन जी इज 9.8 m/s² कॉमा विस्कोसिटी ऑफ एयर 1.8 × 10⁵, डेंसिटी ऑफ ऑयल 900 kg/m³, जिस ऑयल से ड्रॉप बनी है, क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब इसके लिए आपको वीटी भी पता होना चाहिए क्या होता है, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, और क्या यूज करना है वो भी पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है, टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई है, विस्कोसिटी एयर की दी हुई है, डेंसिटी ऑयल की दी हुई है, जी की वैल्यू दी हुई है, चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, फील्ड की भी वैल्यू दी हुई है। ऑप्शंस हैं आपके 1.6 × 10⁻¹⁹, 3.2 × 10⁻¹⁹, 4.8 × 10⁻¹⁹ एंड डी इज 8 × 10⁻¹⁹, ठीक है। ट्राई करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर दिया है उसने डी, 8 × 10⁻¹⁹, ठीक है, करें। चलो सॉल्यूशन देखो, जिनका हो गया अच्छी बात है, पॉज करके ट्राई करते रहो और बाद में आंसर मैच करना अपना। चलो देखो, सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं। पहली सिचुएशन क्या है, एक स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप है जिस पे चार्ज है क्यू, उसको बैलेंस किया हुआ है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ने। बैलेंस कैसे होगा, उस पर दो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक उसका वेट एम जी, दूसरा फील्ड अपवर्ड रही होगी ताकि उसका भी फोर्स लगे क्यू ई, और बैलेंस होने के लिए क्यू ई मस्ट बी इक्वल टू एम जी, ठीक है। शायद इसका यूज आगे कहीं होगा, ठीक। अब जैसी फील्ड आपने स्विच ऑफ की, ठीक है, जैसे ही फील्ड आपने स्विच ऑफ की, तो
तो क्या होगा? अब आधे बोलेंगे सर इसमें विस्कस फोर्स नहीं लगाया, स्पीड ही नहीं है ना, तो विस्कस फोर्स कहाँ से आएगा? ठीक है, अच्छा। अब जब जैसे आपने फील्ड स्विच ऑफ की तो क्या होगा, कौन कौन से फोर्सेस होंगे? ऑब्वियसली ये होगा एम जी, है ना, और क्या होगा बोलो, और क्या होगा? बोलो विस्कस फोर्स कितना? 6 पाई ईटा r v t, है ना? कितना आएगा ट्राई करो, सोचो कितना आंसर आएगा आपका। करो 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 सब लोग जल्दी। आ गया, चलो देखो आप। तो टर्मिनल में नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। अब नेट फोर्स क्या है? एम जी, और ये बस, और तो कोई है नहीं। तो 6 पाई ईटा r v t दैट शुड बी इक्वल टू एम जी, इक्वेशन 2। अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें? क्या करें? रेडियस की वैल्यू मुझे नहीं पता, बाकी सब चीजें तो पता है। क्या करो, क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। एम क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम होगा 4/3 π r³ इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल जिससे वो बनी है इंटू जी। तो r³ यहां से कितना हो गया? 3 QE/4 π ρg। इसकी वैल्यू अगर और सब वो करें सिंप्लीफाई, 6 π ईटा r v t इज इक्वल टू 4/3 π r³ इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी। बराबर, ये क्वेश्चन लिख लिया सबने। फील्ड का मैग्नीट्यूड काम आएगा 81 π/7 इंटू 10 की पावर 5। फील्ड का मैग्नीट्यूड है 81 π/7 इंटू 10 की पावर 5। चलो देखो, अब मुझे आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। कैसे करें, कैसे करें आर की वैल्यू? तो आर की वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या करें? तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। चलो नहीं, कुछ बनेगा ही नहीं उससे। क्या आएगा? 6 ईटा v t इज इक्वल टू 4/3 π π कैंसिल आउट r² इंटू रो इंटू जी, है ना? तो 6 ईटा v t इज इक्वल टू 4/3 r² तो r की वैल्यू मुझे पता है, 3 QE/4 π ρg, उसकी उसका क्यूब रूट और उसकी पावर 2, दैट इज 2/3 इंटू रो जी। बड़ा अजीब कैलकुलेशन आएगी, 6 ईटा v t इज इक्वल टू 4/3 × 3/4 की पावर 2/3 इंटू QE/π ρg की पावर 2/3 इंटू रो इंटू जी। ये सब कुछ सॉल्व करके मुझे क्यू निकालना है, ठीक है? तो सारी वैल्यूज अगर हम देखें, वैल्यूज कितनी कितनी दी गई थी, तो ईटा की वैल्यूज ने दी थी 1.8 × 10 की पावर -5। टर्मिनल की भी वैल्यू दी हुई है। अब आगे सोचो क्या करें, कंसेप्ट यही है आपका। सबसे पहले हेल्ड करके रखा था तो नेट फोर्स जीरो, उसके बाद जब ई को आपने स्विच ऑफ कर दिया तब टर्मिनल कितनी है वो भी दी हुई है, तो टर्मिनल कब अटेंड करता है? जब नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो होता है। तो फोर्सेस कौन कौन से है? वेट एम जी, क्यू ई तो है नहीं अब, और ऊपर का फोर्स कितना? 6 π ईटा r v, स्टोक्स लॉ से विस्कस फोर्स, ठीक है? तो उन दोनों को हमने इक्वल किया था। तो बाकी उसके बाद आर हमको नहीं मिल पा रहा है, बार बार वही दिक्कत आ रही है कि आर हमारे पास नहीं है, ठीक है? इसलिए आर की वैल्यू पहले इक्वेशन से सब्सटीट्यूट की हमने दूसरे में, पर बहुत अजीब कैलकुलेशन आ रही है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? आगे कर लोगे सोल्व? कैसे करोगे? क्यूब रूट, क्यूब ले लें अगर हम,
चलो क्यूब ही ले लेते हैं, ठीक है क्यूब ले लो। 216 ईटा क्यूब वी टी क्यूब इज इक्वल टू 64/9 27 इंटू क्यूब लिया तो 9/16, ठीक है, इंटू क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर पाई स्क्वायर रो स्क्वायर जी स्क्वायर रो स्क्वायर जी स्क्वायर, सॉरी रो क्यूब, क्यूब लिया ना, देखो रो स्क्वायर से ये जी स्क्वायर से ये, चलो इसका काम तो अच्छा हो गया। अच्छा अब 9 से गया 3, 16 से गया 4, 4 से गया 64, 64 × 3 192 ईटा क्यूब वी टी क्यूब अपॉन ई स्क्वायर ऊपर पाई स्क्वायर नीचे रो नीचे जी दैट इज क्यू स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 192 × ईटा, ईटा इज 1.8 × 10^-5 उसका क्यूब, तो 1.8 का क्यूब माइनस 5 का माइनस 15। वी टी आपको दिया गया है 2 × 10^-3 उसका क्यूब 8 × 10^-9, पाई स्क्वायर को पाई स्क्वायर रहने दो, अपॉन ई, ई भी आपको दिया गया था 81 पाई, तो 81 का क्यूब स्क्वायर आया ना स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 49, वो चला जाएगा ऊपर, ठीक है, इंटू 10^10 इंटू रो, रो भी दिया गया था आपको 900, इंटू जी क्वेश्चन में दिया गया है 9.8 दैट इज क्यू स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर बराबर। कुछ और जा रहा है क्या? 2 जीरोस को बनाएंगे 12, ठीक है, तो कितना आ गया 49 × 192 × 1.8 का क्यूब इंटू 8/81 का स्क्वायर इंटू 9 × 9.8 इंटू 10^ सारी एक तरफ ले जाओ -15 -24 और ये इसको बनाएगा -36 दैट इज क्यू स्क्वायर, तो क्यू इसका अंडर रूट, तो -36 का करोगे -18 इंटू इसका अंडर रूट, ठीक है, ये मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में कैसे करना है वो खुद से समझ लो क्योंकि एग्जाम में आया है। 49 192 1.8 1.8 1.8 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 81 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 9.8, ठीक है, तो ये आया 0.8, 0.758 ये पूरा सॉल्व होके, तो 0.758 का अंडर रूट, अंडर रूट भी तो लोगे लास्ट में क्योंकि वो क्यू स्क्वेयर आया, ठीक है, तो अंडर रूट 0.758 दैट इज 0.8, तो 0.8 × 10^-18, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 8 × 10^-19। बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी पर कोई चॉइस नहीं है, हमारे पास करना ही पड़ेगा। कंसेप्ट्स क्लियर रखो कि क्या किया हमने, ठीक है, टर्मिनल कैसे निकालते हैं, ठीक है, विस्कस फोर्स 6π ईटा rV कैसे आया, ये सब हम पढ़ चुके हैं अपने विस्कोसिटी वाले चैप्टर में, ठीक है, चलो तो इसको नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा मतलब कैलकुलेशन वाइज। हाँ अब इसमें बहुत क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेगा, हर बुक में, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन है आज का, बस इसके बाद और नहीं, आज के लिए इतना ही। ये रिंग है हमारी, ठीक है, ये एक और रिंग है, दो रिंग्स दी हुई हैं, दोनों का रेडियस कितना दिया है हमको आर, ठीक है, और सेपरेशन भी कितना दिया है हमको आर, ठीक, इस पे चार्ज है Q1 यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, इस पे चार्ज है Q2 विच इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली स्प्रेड, ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, एक छोटा क्यू चार्ज है स्मॉल क्यू, तो फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग स्मॉल क्यू फ्रॉम C2 टू C1, एक के सेंट,
से दूसरे के सेंटर तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। चाहे C1 से C2 निकाल लो, बात एक ही है, चाहे C2 से C1। बस क्वेश्चन में ये बोला, एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक ले जाने में स्मॉल क्यू को कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क पूछा है। ए है 0, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। बी है क्यू Q1 माइनस Q2 √2 माइनस 1 अपॉन √2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सी इज क्यू √2 Q1 प्लस Q2 इंटू के डिवाइड बाय आर। एंड डी इज के क्यू Q1 प्लस Q2 इंटू √2 प्लस 1 डिवाइड बाय आर, कुछ तो ऐसा है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई एक सही है तो वो कौन सा है। तो ट्राई करो, कैसे करोगे सोचो उसको और करो। ठीक है, एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है, किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। अब वो कैसे करोगे सोचो, ट्राई करो थोड़ा। चलो ट्राई करो उसको, 2-3 मिनट का समय आप लोगों के पास। ऑप्शन बी दिया है उसने, के इंटू Q1 माइनस Q2 √2 माइनस 1 √2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चलो करें, देखो ध्यान से समझना। सो वर्क डन विल बी डेल्टा यू, डेल्टा यू मतलब U2 माइनस U1, और U2 माइनस U1 क्या होगा, Q इंटू V2 माइनस V1। V2 मतलब जब यहाँ पे आप लेके गए, चलो C2 नाम दे देते हैं इसको, इसको C1, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, चलो चार्ज भी इस पे Q1 दे देते हैं और इस पे Q2। चल अब देखो V2 क्या है, जब C2 पे वो स्मॉल क्यू चार्ज गया वहां पे पोटेंशियल, अभी ध्यान से सुनना, जब वो चार्ज C2 पे गया छोटा क्यू, तब उस पे पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा। बिल्कुल इस खुद की रिंग की वजह से, क्योंकि उसका वो सेंटर हो गया, और इसकी वजह से क्योंकि उसका वो एक्सियल पॉइंट हो गया। समझो, जब वो छोटा क्यू चार्ज C2 पे जाएगा तो उस पे पोटेंशियल दो चीजों की वजह से होगा, एक जिस पे Q2 चार्ज है उस रिंग का वो सेंटर होगा, और एक जिस पे Q1 चार्ज है उस रिंग का वो एक्सियल पॉइंट होगा। तो सारे रिजल्ट्स आपको पता है, चलो ध्यान से लिखना। V2 बोलो कितना, V2 विल बी पोटेंशियल एट C2, दैट विल बी Q2 का सेंटर होने की वजह से के Q2 बाय रेडियस आर, प्लस इसका एक्सियल होने की वजह से के Q1 बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज √2 आर। समझ में आया सबको। माइनस क्यू इंटू V1, V1 मतलब जब वो C1 पे था तब उसका पोटेंशियल, और C1 पे पोटेंशियल उसके सेंटर की वजह से के Q1 बाय आर, और Q2 का क्या बनेगा वो एक्सियल, सो दैट विल बी के Q2 बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज √2 आर, क्योंकि एक्स आपको आर दिया गया है ना। क्या कॉमन आया बोलो, के क्यू कॉमन। ठीक, अंदर क्या आया, Q2 बाय आर माइनस Q1 बाय आर प्लस Q1 बाय √2 आर माइनस Q2 बाय √2 आर। दिख रहा है सबको कितना आ गया, बोलो के क्यू बाय आर भी कॉमन, अंदर आया Q2 माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 बाय √2। देखो सही है यहां तक। अच्छा अब क्या करें, अब क्या इसको माइनस साइन लेके Q1 माइनस Q2 बना सकते हैं। तो एक और चीज कॉमन आ गई, के क्यू बाय आर तो था ही कॉमन, अंदर एक और चीज कॉमन आ गई Q1 माइनस Q2, ये आया 1 बाय √2 और माइनस 1। एलसीएम ले लोगे कितना आया बोलो,
के क्यू क्यू वन माइनस क्यू टू बाय आर वन माइनस रूट टू बाय रूट टू। तो ऑप्शन बी के की वैल्यू डाल देना, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करो, कर लोगे सॉल्व। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, सॉल्व करो सारी चीज़ें। पास्ट ईयर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, लगभग हर तरह के, हर टॉपिक से। ठीक है, तो HCV सॉल्व हो गई है कुछ लोगों की, मतलब लगभग सब लोगों की हो गई है। ठीक है, तो अब बुकलेट वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, और मेडिकल वाले लोग सिंगेज कर ही रहे हैं तो वो सॉल्व करो, और फिर उसके बाद बुकलेट सॉल्व करो। ठीक है, जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सिर्फ लेक्चर देखने भर से आपको क्लियर नहीं होगा कि किसमें क्या करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर तभी होंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर आज होमवर्क नहीं दिया है तो आज कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं। ठीक है, होमवर्क दें चाहे ना दें, अपने आप आपको सॉल्व करना है। तो पहले लेक्चर देखो आराम से, 1.5 घंटे का लेक्चर है, उसको आराम से समझो, 2 घंटा लगेगा समझने के लिए। ठीक है, उसको आराम से समझो, और जो चीज़ें काम की नहीं है, जैसे मैंने न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन करवाया, तो अगर आपसे वो न्यूमेरिकल पहले ही हो गया है, स्क्रीन पॉज किया आपने, ट्राई किया, हो गया, सिर्फ आंसर देखो, सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका फंस रहा है या आपको भरोसा नहीं है कि मैंने कंसेप्ट सही लगाया, बस आंसर ऐसे ही आ गया, तब आप वो सॉल्यूशन देखो, अदरवाइज उसको स्किप करो और आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 2-2.5 घंटे में आपने एक लेक्चर देखा, उसके बाद 1-1.5 घंटा उसका प्रैक्टिस किया, मतलब 3.5-4 घंटा आपको पढ़ना ही है एक सब्जेक्ट, क्योंकि अब आप एकदम फ्री हैं तो घर पे 12-13-14 घंटे आराम से आपको पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, कुछ लोग जो है वो डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये जो आपको टाइम मिला है इसको एज अ अपॉर्चुनिटी आप समझो। ठीक है, कि मतलब अब मेरे पास टाइम है पीछे का पूरा कवर करने का। ठीक है, जो मेरे को चैप्टर नहीं आते थे, जैसे पूरा 11th हो गया फिजिक्स का, तो जो चैप्टर मेरे को नहीं आते वो चैप्टर कवर करने का, अभी मान के चलो कम से कम 1 मंथ और नहीं ओपन होने वाला है। ठीक है, तो क्लासेस आपकी ऐसे ही चलेंगी, तो ये पढ़ने के बाद डेली, उसके बाद जो होमवर्क दिया जा रहा है वो सॉल्व करो। ठीक है, होमवर्क नहीं भी दिया जा रहा तब भी खुद से सॉल्व करो, आपको पता है कौन सी बुक सॉल्व करनी है, खुद से सॉल्व करो, और कोई डाउट है उसको क्लियर करो। ठीक है, मेन आपके होते हैं कंसेप्ट्स, आपके क्लियर होने चाहिए, चाहे वो मेन्स हो, चाहे एडवांस हो, चाहे नीट हो। ठीक है, और दूसरी चीज़, डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझो कि हाँ मेरे पास इतना अच्छा मौका आया है कि मैं आराम से पीछे का कवर कर सकता हूँ। ठीक है, अब 24 घंटे में से आपको एटलीस्ट 13-14 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज जो अभी चल रहा है सिर्फ वही हो पाएगा अगर आप 7-8-9 घंटे पढ़ेंगे, तो पीछे का कवर नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको पीछे का कवर करना है, रिवाइज करना है, तो आपको दिन में एटलीस्ट 13-14 आवर्स पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह समझो कि हाँ मेरे पास अब इतना सफिशियंट टाइम है, अभी 1 मंथ हो रहा है, अभी 1 मंथ चला गया। ठीक है, मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, ऐसी मजाक मजाक में 1 महीना खत्म कर दिया, अभी कम से कम 1 महीना और लगने वाला है। तो अब इस 1 महीने में क्या करो, एक प्लान बनाओ कि मुझे ये चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, इस दिन मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, ये चैप्टर मेरा वीक है और इस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई मेन्स एडवांस के लिए, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसी फिजिक्स में बनाओ, ऐसी केमिस्ट्री में बनाओ, और ऐसी मैथ्स में बनाओ, और बायो वाले बायो में। ठीक है, तो उसको कवर करो, समझ आ रहा है, और जो भी डाउट हो उसको पूछो। ठीक है, और ये मान के चलना कि तुम लोगों का जो मेंस और नीट है वो कभी शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि वो अगले साल है। ठीक है, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सब के लिए अपना कवर करने का, जो बच्चे अभी 11th से 12th में मूव किए हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बल्कि अच्छा है ये तो कि आपको इतना ज़्यादा टाइम मिल गया है कि आप बहुत कुछ कवर कर सकते हैं, जो जो आप में गलतियाँ थी, जो जो आपने मिस्टेक्स की हैं, लेट पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने अप्रैल में आए थे और उन्होंने सितंबर अक्टूबर में पढ़ना स्टार्ट किया, तो बीच का जो बचा है, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, ठीक है, वो सब कवर करने का टाइम है अब,
समझ में आ रहा है, ऐसी केमिस्ट्री में, ऐसी मैथ्स में, ऐसी बायो में, तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको समझो और बैठ के आराम से अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करो, ठीक है। अब 1 घंटे से काम, एक सब्जेक्ट का 2 घंटे से काम चलने वाला नहीं है, एटलीस्ट 3 साढ़े 3 4 घंटा तो एटलीस्ट आपको एक सब्जेक्ट देना ही है, 2 घंटा लेक्चर देखने का, समझने का, 1.5 घंटा तो लेक्चर होता है तो समझ के आधा घंटा और मान लो तो 2 घंटा, ठीक है। 1 घंटा उसका सॉल्विंग का, ज़्यादा क्वेश्चन करते नहीं है, एक दिन में अगर आप 30 क्वेश्चन भी करेंगे तो 1 घंटे से ज़्यादा लगता नहीं है, तो वो, और बचा हुआ 1 घंटा पीछे का रिवाइज करने का, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट का कम है, कोई होमवर्क नहीं मिल रहा है या कोई आज लेक्चर नहीं आया तो उसका पीछे का करो और वो टाइम दूसरे सब्जेक्ट में दो, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके आपको पीछे का पूरा कवर करने का है, ठीक है। तो ये अब 1 महीना है, ये समझो कि इस 1 महीने में मुझे अपना सब कुछ कवर करना है जो मैंने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। और रही बात 12th वालों की, तो 12th वालों के पास, नीट वालों के पास स्पेशली एक्स्ट्रा 1 महीना 2 महीना है, 3 मई को एग्जाम होने वाला था उनका, अब मान के चलो वो 3 जून से भी लेट जाएगा, ठीक है। तो उनके पास मतलब 1 महीना 1.5 महीना एक्स्ट्रा उनको मिल गया, ठीक है, एटलीस्ट, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, जुलाई भी जा सकता है। तो उस 2 महीने में उनको क्या करना है, उन 2 महीने में उनको अपना जो बचा है चैप्टर, अब FLT उनके स्टार्ट हो गए हैं तो FLT में देखो किस चैप्टर में मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, किस चैप्टर के, ठीक है, और मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको एनालाइज करके उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। गलतियां सबसे होंगी ऐसा नहीं है, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं तो 3-4 गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, पर मिनिमाइज करने की कोशिश करो, 10 जिसकी है वो 3-4 करो, जिसकी 3-4 है वो 1-2, ठीक है। और जो चैप्टर आपके वीक है उसके एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, और मुझे बताओ कि सर हमको ये चैप्टर नहीं आता है और हमको ये सॉल्व करना है, ठीक है, ये मुझे वापस हमको पढ़ाओ, ठीक है, तो वो आपके लिए पढ़ाया जाएगा वापस, समझ रहे हो। पर अब छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब जितना फायदा तुम लोगों को मिल रहा है 1 महीना एक्स्ट्रा होने से, उतना ही फायदा इंडिया के सब बच्चों को मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, वो सबके लिए है, ठीक है, वो एडवांटेज सबके लिए है, पर वो एडवांटेज ज़्यादा उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक पूरा प्रिपेयर नहीं किया था, जिन्होंने पूरा रिवाइज नहीं किया था, तो वो उनको 1 महीना और एक्स्ट्रा मिल गया पूरा रिवाइज करने का, समझ रहे हो। तो अभी मेंस वाले भी बच्चे हैं, उनका भी सेकेंड शिफ्ट अभी शिफ्ट हो गया, जो सेकेंड शिफ्ट होने वाली थी अप्रैल में, ठीक है, उनके लिए भी यही है, CET वालों के लिए, उनके लिए भी यही है, ठीक है। तो ले दे के आपको क्या करना है कि अभी का जो टाइम है, ये 1-1.5 महीना जब तक क्लासेस रिज्यूम नहीं होती है 11th वालों के लिए, तो जब तक क्लासेस रिज्यूम नहीं होती हैं तब तक आपको ऐसे ही करना है, कोई और सोल्यूशन नहीं है। कुछ लोग बोले सर इसमें फील नहीं आता या कुछ और प्रॉब्लम है, ठीक है, पर सबसे ज़्यादा अच्छा बल्कि यही है आपके लिए क्लासेस से ज़्यादा, क्योंकि क्लासेस में एक बार जो टीचर ने बोल दिया वो ख़त्म, यहाँ पे आपके पास रिकॉर्डेड है कि आपको जो समझ में नहीं आया वो आप बार बार उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा या ये नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, बार बार उस चीज़ को देखो, ठीक है, जब तक समझ में ना आए, ठीक। और अपना कैपेसिटी इंक्रीज करो पढ़ने का, और इस 1 महीने में पीछे के जो जो चैप्टर वीक हैं, सब चैप्टर तो वीक होंगे नहीं, 2-3 चैप्टर, तो 2-3 चैप्टर में कितना दिन लगेगा, अगर आप एक दिन में 1-1 घंटा भी रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो 1 महीने में आराम से आपके पीछे के जो वीक चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। और 12th वालों की बात अगर करें तो ये जो 1-1.5 महीना है ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज है उनकी लाइफ का, ठीक है। अभी बच्चे जो हैं वो या तो बनते हैं या बिगड़ते हैं, ठीक है, तो आपको बनना है, ठीक है, कुछ करना है, मतलब आपकी 2 साल की जो मेहनत है उसको अब आपको दिखाना है कि हाँ मैंने मेहनत की थी, ठीक है, जिसने एवरेज भी की थी उसके पास भी अभी टाइम है, ये जो 2 महीना आपके पास एक्स्ट्रा मिलेगा, 1.5 महीना मिलेगा, इसमें बहुत कुछ कवर हो सकता है अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। बस जरूरत है, रिक्वायरमेंट है स्ट्रेटेजी की, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि हाँ मुझे इसके अकॉर्डिंग चलना है, मेरा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो मैं इसमें आराम से, जैसे बायो है वो 360 का वो अच्छा होना ही चाहिए, अगर आपको 600 तक जाना है तो बायो में मेरे 300 प्लस आ रहे हैं, या अगर नहीं आ रहे हैं तो वो 300 प्लस का टारगेट लेके चलो, उसके लिए मुझे कौन से चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, कौन से मेरे वीक हैं, वो सब अच्छे से करो, ठीक है। उसके बाद
बायो होने के बाद ऐसी फिजिक्स में देखो कि अगर मुझे 600 लाना है तो फिजिक्स में एटलीस्ट 130 प्लस जाना ही पड़ेगा, 140 प्लस जाना ही पड़ेगा। अब मेरे FLTs में कितने आ रहे हैं वो एनालाइज करो, कहाँ कहाँ मुझसे गलतियाँ हो रही हैं वो एनालाइज करो और उसको सही करो, ठीक है? वो चैप्टर अच्छे से पढ़ो, नहीं तब भी समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, तो मैं लेक्चर बनाऊंगा उसके, वीडियो बनाऊंगा और फिर उसको बैठ के पढ़ो, ठीक है? और ऐसी केमिस्ट्री में देखो कि मेरे 600 या फिर 500 जो आपका टारगेट है उसके अकॉर्डिंग कितने आने चाहिए, ठीक है? 600 के अकॉर्डिंग 150 प्लस आना ही चाहिए केमिस्ट्री में, है ना? तो मेरे वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आ रहे हैं तो उसको छोड़ दो, ठीक है? करते रहो उसको लगातार और उसको मेंटेन रखो 150 प्लस 140 प्लस पे, ठीक है? अभी कुछ बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं पर कुछ बच्चे धीरे धीरे गिर रहे हैं नीचे, पर अब टाइम है गिरने का नहीं उठने का, ठीक है ना? अब टाइम है आपको अच्छे से उसको एनालाइज करने का, अच्छे से अपने आप को देखने का कि मेरी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और अब क्यों हो रही हैं। अब आखिरी का टाइम आप लोगों के पास, अब गलतियाँ करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? तो अच्छे से उसको करो, ठीक है? और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स के लिए, अभी तो खैर है नहीं पर अभी भी आपको बहुत कुछ करना बाकी है, 11th वाले भी 12th वाले भी, ठीक है? तो इसको लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझो, 11th 12th दोनों के लोग, और 12th वालों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो 2 साल जो मेहनत की है वो पूरी खराब हो जाएगी। तो वो खराब नहीं करने देनी है हमको, ठीक है? जो जो हमारे वीक हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो जो हमारी चीज़ें वीक हैं वो करो, और कुछ भी नहीं है आराम से होगा, ठीक है ना? वो लोग अलग नहीं होते जो सिलेक्शन लेके आते हैं, हम आप जैसे ही लोग होते हैं, ठीक है ना? तो बस फर्क क्या होता है, जो लोग सिलेक्शन लाते हैं उसमें वो डेडिकेशन होता है, तो वो डेडिकेशन अपने अंदर दिखाओ, वो 15-16 घंटे पढ़ने का जुनून, ठीक है, वो दिखाओ। आखिरी के टाइम में उतना पढ़ना ही पड़ेगा, अभी भी कुछ लोग 4-5 घंटे पढ़ रहे होंगे, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो वो जुनून अपने अंदर जब तक नहीं लाओगे तब तक भूल जाओ कि हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो वो जुनून जब आपके अंदर आ जाएगा, और अब आना ही चाहिए कि मुझे करना ही है कैसे भी करके, बाय एनी हाउ मुझे करना ही है, ठीक है? क्यों? क्योंकि कोई और चॉइस नहीं है आपके पास, तो वो अगर मुझे करना ही है तो वो जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा है, ठीक है? तो अभी भी 1.5 महीना है, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो, अभी भी आप एटलीस्ट 100+ मार्क्स जो है वो बढ़ा सकते हो, अपने 400 वाले 500 जा सकते हैं, 500 वाले 600 जा सकते हैं, बहुत आसान है। 100 मार्क्स मतलब 25 क्वेश्चंस, है ना? तो 1.5 महीने में आप 25 क्वेश्चंस इम्प्रूव नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। हर चैप्टर हर सब्जेक्ट में आपने 10-10 भी किया खत्म, ठीक है? तो बहुत वीक कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग तो ऑब्वियसली बात है, बहुत स्ट्रांग तो चलेगा, बहुत वीक कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेनी है, चाहे वो मेंस के बच्चे हों, चाहे वो सीईटी के बच्चे हो, चाहे वो नीट के बच्चे हो, ठीक है? तो स्ट्रेटेजी एक बनाओ अब बैठ के अपने अगले 2-3 दिन में, और उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपना पढ़ो। एक प्लान बनाओ कि मेरे ये चैप्टर वीक है, आज बैठ के एक प्लान बनाओ कि मेरे ये चैप्टर वीक है, फिजिक्स में ये वीक है, FLTs को एनालाइज करो, अपनी गलतियां देखो कि मेरे इस चैप्टर में बार बार गलती हो रही है, इस टॉपिक में हो रही है, वो लिखो, ठीक है? और फिर उसके बाद उसके डाउट्स पूछो, पढ़ो उसको एक बार, फिर डाउट्स पूछो, तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक लेक्चर बनाऊंगा उन टॉपिक्स पे और फिर उसको सोल्व करो, ठीक है? पर करो, ठीक है? तो मेहनत अब जो है तुम्हारी 10 गुना हो जानी चाहिए जो आज तक आपने मेहनत की है, 11th वाले भी 12th वाले भी। 11th वालों के लिए मेहनत का मतलब है कि पीछे का जो भी है जितना भी है, करंट तो करना ही है, ठीक है? क्योंकि ये वापस नहीं होने वाला है, ध्यान देना, आधे लोग इसको पढ़ नहीं रहे हैं पर ये वापस मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत अब हम कर रहे हैं तो बाद में टाइम मिलेगा ही नहीं हमको वापस इतना डिटेल में पढ़ने का, ठीक है? तो अभी आपके पास बहुत समय है, आराम से डाउनलोड करके वीडियोस को उसको देखो, ठीक है? उसको बार बार समझो, भले ही आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा लगे पर समझो, फिर न्यूमेरिकल सोल्व करो, और टाइम बचता है तो पीछे का करो, ठीक है? अभी तक मुझे लगता है बहुत लोगों ने पीछे का रिवाइज कर लिया होगा, पर अगर अभी भी बचा है आप लोगों का तो वो उसको करो, ठीक है? और रही बात 12th वालों की, तो उनके लिए मेहनत करने का मतलब है कि उनको अब अपनी गलतियां को सुधारना है बस, क्योंकि वो पढ़ के सब खत्म कर चुके हैं। अब इतनी बार वो लोग पढ़ चुके हैं, दिसंबर से वो पढ़ रहे हैं, उनका अक्टूबर में सिलेबस खत्म हो गया आप लोगों का, है ना? नवंबर से आप लोग पढ़ रहे हैं, चलो रिवाइज करने मान लेते हैं 2-3 महीना लग गया, फिर बोर्ड्स आ गए, पर मार्च मिड मार्च से लेके अभी तक आप पूरा रिवाइज ही कर रहे हैं, तो अब वो रिवाइज होके हो जाना चाहिए खत्म, ठीक
ठीक है, तीनों सब्जेक्ट पीसीबी पीसीएम मेंस वालों के लिए, सीटी वालों के लिए पीसीएम, ठीक है। अगर अभी भी रिवाइज करके खत्म नहीं हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी अप्रैल एंड तक खत्म करो, है ना। और फिर उसके बाद अभी एक दो दिन में बैठ के एनालाइज करो कि मेरे ये रिवाइज नहीं हुए हैं चैप्टर्स, इसलिए ये मेरे टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है ना। और ये चैप्टर रिवाइज होने के बाद भी मेरे से गलतियां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं वो देखो। और ठीक है, अब सेल्फ एनालिसिस करो अपना खुद का। अब टीचर नहीं है तुम्हारे पास कि वो तुमको बता पाए, ठीक है। टीचर को तुम लोगों को बताना है कि सर मुझसे ये गलतियां हो रही है, मुझसे ये गलतियां हो रही हैं, ये मैं कैसे करूं, ये मैं कैसे करूं, समझ रहे हो। तो वो जुनून एक आना चाहिए अपने अंदर। अब बहुत बड़े हो गए हो, अब इतना समझ आनी चाहिए कि मेरे पास यही 2 महीना है कुछ करने का, अदरवाइज ये टाइम फिर वापस नहीं आएगा, ये ध्यान देना, ठीक है। तो इन्हीं दो दो महीने में आर पार की लड़ाई हमको लड़नी है, इन्हीं 2 महीने में हमको सब कुछ करना है, ठीक है। वो ध्यान में रख के, वो माइंड में रख के आपको अब चलना है अगले 2 महीने। मान के चलो अभी भी नीट एग्जाम होने में 2 महीने लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। मे एंड बोला गया पर मे एंड होगा नहीं। सिमिलरली सीटी और मेंस, वो भी जून मिड तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। पर हमको तैयारी करनी है मे एंड के हिसाब से ही, क्योंकि मे एंड तो फिक्स है ही आपका, ठीक है। तो उसके हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि बाय चांस अगर हो भी जाता है, ठीक है, तब भी हमारी इतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हम मे एंड में भी एग्जाम अच्छे से दे के आ सके, ठीक है। तो सब लोगों के लिए मैसेज यही है कि डीमोटिवेट नहीं होना, और स्पेशली 12th वालों को, उनके पास डीमोटिवेट होने का ऑप्शन ही नहीं है। 11th वालों के पास तो ऑप्शन है भी कि वो बाद में शायद कवर कर ले, 12th वालों के पास डीमोटिवेट होने का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। डीमोटिवेट हो गए मतलब सब कुछ खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। तो हमेशा मोटिवेटेड रहो, हमेशा एक चीज ध्यान में रखो कि मुझे एक एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। बहुत अच्छा कॉलेज मुझे ज्वाइन करना है, सीटी हो, मेंस हो, नीट हो, कुछ भी हो, मुझे बहुत अच्छा कॉलेज ज्वाइन करना है, समझ रहे हो। तो वो माइंड में रख के अपना जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट करो। कुछ लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर कुछ लोग अभी बीच में अटके हुए हैं, 450 मेंस में, 120 सीटी में, 120 130। तो वो अपने आप को पुश करो अब, ठीक है। अब टीचर नहीं आएगा आपको बताने के लिए, ठीक है, कि आपके ये टीचर बहुत बार बता चुका कि क्या क्या गलतियां हैं आपकी, तो अब वो सुधार करो, ठीक है। तो अगले ये 10-15 दिन बहुत अच्छे से बैठ के अपने आप को एनालाइज करो, है ना, कि मेरे ये चैप्टर नहीं हुए हैं, ये चैप्टर मुझे करने हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ सब्जेक्ट वाइज, और अकॉर्डिंगली उनको स्टडी करो फटाफट, ठीक है। जिस दिन आपका एग्जाम, उस दिन 3 घंटा एग्जाम दे के डिस्कशन खत्म करके उसी दिन बीच के 2 दिन जो है वो रिवाइज करो, ठीक है। सीटी वालों के लिए भी यही है, जब जब एग्जाम नहीं है तब तब बैठ के रिवाइज करो, ठीक है। मेंस वालों के लिए भी सिमिलरली, नीट वालों के लिए भी, ठीक है। तो पढ़ते वक्त जो डाउट आए वो पूछो, डाउट क्लियर करो, थियरी क्लियर करो। और अब तो सब क्लियर होना ही चाहिए 12th वालों को, अभी भी क्लियर नहीं है वो फिर कब होगा क्लियर, है ना। 2 साल से अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी भी क्लियर नहीं होगा तो कब होगा। तो अभी भी क्लियर नहीं है तो लिस्ट बनाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और कोई भी डाउट है उसको पूछो, ठीक है। और बहुत आसान है मार्क्स लेके आना, चाहे वो सीटी हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो नीट हो, बहुत आसान है। बस रिक्वायरमेंट है 2 साल आपने अच्छे से पढ़ा हो, बहुत अच्छे से मेहनत की हो। अगर 2 साल आपने मेहनत अच्छे से नहीं भी किया, लास्ट में भी आप सीरियस हो जाए, तब भी आप उतना सफिशियंट स्कोर कर सकते हैं कि अच्छा कॉलेज मिल जाए, ठीक है ना। पर रिक्वायरमेंट है लास्ट में बहुत अच्छे से मेहनत करने की, बहुत अच्छे से मेहनत करने की, ठीक है। तो अब लास्ट का टाइम है अपना कैपेसिटी बढ़ाओ पढ़ने की, ठीक है। 8 घंटे वाले 12 घंटे पढ़ो, 12 घंटे वाले 15-16 घंटे पढ़ो, ठीक है। अब काम ही नहीं है कुछ, पढ़ना है, डाउट्स पूछने हैं, पढ़ना है, डाउट्स पूछने हैं, ठीक है। तो यही मैसेज था कि डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारे लोग 11th 12th दोनों एज एन अपॉर्चुनिटीज को समझो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी मेहनत करो। 11th के लिए मैंने बताया मेहनत करने का मतलब क्या है, 12th के लिए मेहनत करने का मतलब क्या है, ठीक है। 11th के लिए अभी एग्जाम के लिए सोचने की जरूरत है ही नहीं उनको, उनको सिर्फ अपना पीछे का कवर करने की जरूरत है जो चैप्टर वीक है। क्योंकि अगर आपने अभी पूरा कवर कर लिया, वैसे ये कवर करने का टाइम आपको बाद में भी मिलेगा जब एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा, पर सोचो अगर आपने अभी कवर कर लिया, ठीक है ना, अगर आपने अभी कवर कर लिया उसको, तो आपको बाद में और टाइम मिल जाएगा कुछ और करने का, बहुत सारे मटेरियल सोल्व करने का,
ठीक है ना। ये जो आपने 11th अभी कवर कर लिया, तो अक्टूबर में आपको उतना कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आधे लोग क्या करते हैं, अभी कवर नहीं करते, अक्टूबर में जाके स्टार्ट करते हैं, तो उनका 1-2 महीना उसी में निकल जाता है। तो इससे बेटर है कि अभी आप 1-1.5 महीने में कवर कर लो, है ना, और वो कवर करके अक्टूबर में कुछ और हम मटेरियल सोल्व करेंगे, तो और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। मार्क्स तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, ठीक। तो अभी 11th वाले जो लोग 12th में मूव किए हैं, वो लोग 11th को अच्छे से कवर करो, PCM PCB तीनों सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद अभी जो करंट चल रहा है वो तो करना ही है, पीछे के चैप्टर्स उठाते जाओ और उसको कवर करते जाओ, समझ रहे हो। 12th वाले लोग इसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझो कि हमको 1.5 महीना एक्स्ट्रा मिला है, तो हम और मेहनत करके अपने 60 to 70 या 100 मार्क्स इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो अच्छे से सब लोग पढ़ो, बेस्ट विशेज मेरी आप सबके साथ है, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करो और अच्छा सा रिजल्ट लेके आओ 12th वाले लोग, और 11th वाले ध्यान दो अपना पूरा कवर करने पे, ठीक है। चलो तो वापस ये सब हमारा इलेक्ट्रो खत्म हो गया, तो बचता है गॉस थ्योरम, ठीक है। तो वो मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो।